अखिल भारतीय फिडे रेटिंग खुली शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन आगामी 20 मई से 26 मई तक विनोबा भावे विश्वविद्यालय परिसर में किया जाएगा। इसके आयोजन का उद्देश्य यहां राज्य स्तरीय बड़ी प्रतियोगिताओं का अभाव है। हजारीबाग से प्रमोद खंडेलवाल की रिपोर्ट। यह हजारीबाग में ही नहीं बल्कि झारखंड में मांग के चलिए कि पहली बार ऑल इंडिया फेडरेटेड चेस टूर्नामेंट ओपन फॉर ऑल होगा। इसके तहत आपके सामने है, प्रोफेसर बन गया है, रूल रेगुलेशंस आ गया है, अब प्रचार प्रसार का माध्यम आप हैं और आपके माध्यम से पूरे हजारीबाग शहर जानेगा और ऑल इंडिया के माध्यम से पूरा इंडिया जान रहा है। सैटरडे से ही उनका प्रचार प्रसार शुरू हो गया है। कहें ना, ओपन ऑल इंडिया ओपन चेस टूर्नामेंट है। इंडिया के हर कोने से लोग आएंगे, जो भी चेस लवर है, रेटेड या रेटिंग टूर्नामेंट है। इसमें रेट चेस में अगर यह जानना चाहते हैं तो पीछे लौटते हैं हम। चेस में दो तरह के प्लेयर होते हैं, एक रेटेड होते हैं, एक अनरेटेड होते हैं। तो हमारे झारखंड में 9 के बराबर रेटिंग टूर्नामेंट होता है। हमारे एसोसिएशन का गोल है कि हजारीबाग के बच्चों को घर बैठे में रेटिंग दिलाना। यहाँ IMGM लेवल के पदाधिकारी आएंगे, सॉरी खिलाड़ी आएंगे, जो कि इस टूर्नामेंट में हमारे बच्चों को IMGM के साथ खेलने का मौका मिलेगा और रेटेड प्लेयर के साथ खेलेगा तो उसको रेटिंग मिलेगा। रेटिंग का अर्थ हो गया इंटरनेशनल प्लेयर हो गया। तो हमारा गोल यही है कि हजारीबाग में जो चेस बहुत पिछड़ा हुआ है, हजारीबाग क्या पूरे झारखंड में पिछड़ा हुआ है, झारखंड का करीब 3-4 जिला के अलावा तो लगता है कि अधिकांश जिला डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट भी नहीं करा पा रहा है, हजारीबाग भी नहीं करा पा रहा था। आज हमने कमर कस लिया है ऑल इंडिया रेटेड टूर्नामेंट करने का, क्षमता इस शहर में है। तो मेरा मानना है कि हम जो इसको पटल पर लाए हैं सबका साथ मिलेगा और हम इसको बड़े पैमाने पर और बहुत भव्य ढंग से करेंगे। मेरा आशा है कि हम आपके साथ हैं, चुनाव तक को व्यस्त हैं। और मनीष जायसवाल जो हमारे